फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ अपने रिलेटिव के घर आया हुआ था। यहाँ पे मुझे व्लॉग एडिट करना था और मुझे रिक्वायरमेंट थी लैपटॉप की, और मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि कहाँ पे कोई कंप्यूटर शॉप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ अलवर बाईपास रोड पे, और भिवाड़ी में राजस्थान में पड़ता ही है। तो मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च किया तो मेरे को पहली बात तो एक शॉप मिली जो कि बंद थी, उसके बाद एक शॉप मिली जो फर्स्ट क्लिक कंप्यूटर के नाम से है। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन मिलाया तो उनका आसपास ही निकला, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे रिलेटिव का घर है उससे 5 मिनट की 10 मिनट की दूरी भी था। तो आज मैं वहाँ आया हूँ और ये देखते हैं कि आज उनके पास कौन कौन से लैपटॉप है। मैंने सोचा व्लॉग भी बना लिया जाए इसी चीज़ का, टॉप वगैरह सेकेंड हैंड लैपटॉप कौन कौन से हैं इनके पास, क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं अंदर ज़रा शॉप के अंदर। हेलो सर। हेलो सर, मैं मयंक नाम है मेरा, और आपको याद होगा कि कल रात को मैंने आपको कॉल किया था। एक तो सॉरी उसके लिए, बहुत लेट कॉल किया, और सबसे बड़ी चीज़ सर ने कॉल उठा लिया एक बार में, तो थैंक यू सर। लेकिन मेरे को सर, एक तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जैसे कि, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर आपको वीडियो की? आपने बताया था। तो मैं ये कह रहा था कि लैपटॉप मेरा थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो मेरे को सेकंड हैंड लैपटॉप की जैसी पता चली आपसे कि आपकी मतलब शॉप है, तो मैंने सोचा कि एक बार देख कर आऊँ। तो एक बार आप मुझे बढ़िया सा लैपटॉप दिखा दो सर। वेलकम सर आपका, आइए आइए। देखो सर ने कितने बढ़िया बढ़िया पीस लग रहे हैं मेरे को सर। ये HP का सर, कौन सा है ये वाला? HP का सर, ये 745 AMG है। अच्छा, और ये वाला सर, ये कितने का? ये हमारा एक तरह से दुकान की शान है। हमारा अभी जो है ये डेल का लैटिट्यूड सीरीज है 7250। ये जैसे कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी जी जी, में हमारा सबसे बढ़िया सबसे शानदार पीस है। i5 है ये, SSD है 512 GB के साथ, और 8 GB रैम है, और 5th generation i5 का लैपटॉप है। और आप लाइट वेट देखिए कितना है ये। और सर बाकी आपने रखे हुए हैं ताकि डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं? हाँ जी सर, डिस्प्ले के लिए रखना ही पड़ता है, क्योंकि लोग आते हैं, आप देखते हैं कि क्या है। सही बात है, मार्केट आप समझ रहे हैं कि मार्केट है, बिजनेस हुआ है। और बेसिकली सर ये मतलब किस यूज पर्पस के लिए, मतलब किस पर्पस से? जैसे आपको पता होगा इंडियन मार्केट में ये जैसे लैपटॉप कंपनीज में होता है जी, इंडिया में लगभग 2 या 2.5 साल में प्रोजेक्ट करके उनको रिटायर करके कर देते हैं। हाँ जी हाँ, ये इम्पोर्ट के लैपटॉप्स होते हैं जी। तो ये मतलब जैसे बाहर के US, जापान, वहाँ से आते हैं, वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट यूज करके इंडिया में ये ऐसे इम्पोर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सेल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम होलसेल में सेल करते हैं, रिटेल में भी सेल करते हैं, वैसे करते हैं। तो हमारा ये सेकेंड हैंड का मार्केट जी, अच्छा जी, है। और ये हमारे डोमेस्टिक वर्जन जो होम बेसिक्स होते हैं उनसे प्रोसेसिंग में भी थोड़े फास्ट है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। अच्छा। तो इस वजह से और बिल्कुल सस्ते रेट में, अच्छे रेट में मिलते हैं, वाजिब रेट में मिलते हैं, तो लोग लेते हैं, पसंद करते हैं। इसकी मार्केट वाला अच्छी स्ट्रांग है। बेसिकली आप मुझे ये बता दो कि जैसे कि मेरे को चाहिए अपने लिए एक व्लॉग एडिट करना होता है जी, जी, जी। जिसमें Adobe प्रीमियर प्रो पे मेरे को काम करना होता है, फोटोशॉप चलाना होता है, तो सर बहुत ही बढ़िया जो अच्छा हो व्लॉगिंग वीडियो एडिट करने के लिए और फोटोशॉप वगैरह सब चल जाए, तो वो एक बार मेरे को बढ़िया सा पीस दिखा दो सर। सर मैं वैसे बोलना नहीं चाहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज है उससे लेकर सारे लैपटॉप कर ले, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कमर्शियल सीरीज के है, तो ये थोड़े हैवी ड्यूटी, और हैवी ड्यूटी नहीं कर ले, ये हाई एंड काम वर्किंग के लिए है। पर जैसे आपने कल मेरे को अपनी बेसिक डिटेल में रिक्वायरमेंट बताई थी, तो उस हिसाब से मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको इसी मॉडल को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप कह रहे थे आपको कैरी करने में भी आसानी रहेगी, आपको क्या कहते हैं प्रोसेस, हाँ मतलब हल्का भी हो, क्योंकि मुझे हल्का भी चाहिए था, थोड़ा सा कैरिंग भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, आपको क्या कहते हैं थोड़ा क्या कहते हैं स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए था। तो सर ये वैसे है, मतलब ये दोबारा बता दो कौन सा है ये लैपटॉप? सर ये डेल का हमारा लैटिट्यूड सीरीज है 7250। ये हमारा i5 फिफ्थ जनरेशन का लैपटॉप है। अच्छा, इसमें 8 GB रैम है और 512 GB SSD है।
एमसाटा, छोटी सी पार्ले जी बिस्किट साइड की एक एमसाटा होती है एसएसडी, जिसकी वजह से ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव से लगभग प्रोसेसिंग स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाता है। ओके तो सर तो ये प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, एक बार आप इसको देखिए भी। हाँ सर एक बार ऑन करके दिखा दीजिए। ये जैसे सर मशीन है, आप इसमें ये पूरी एचपी बिल्ड मशीन है। आप इसमें क्या काम है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हमारे सिर्फ चार काम है, इसमें प्रोसेसर लगाना, रैम लगाना, हार्ड डिस्क लगाना और हार्ड डिस्क में आपको विंडो डाल के देना। ओके ओके तो सर मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं छेड़ते हो? कुछ नहीं, सिर्फ आप मतलब ये कई लोग सोचते हैं रिफर्बिश्ड है, नहीं ये रिफर्बिश्ड भी नहीं, हम रिपेयर्ड माल नहीं उठाते। हमारे ये कमर्शियल सीरीज में अच्छा माल है बिल्कुल, मतलब रिपेयर इसी वजह से देख कर लाते, क्योंकि हमें अपना भी मार्केट खराब नहीं करनी, दूसरों का भी धोखा देकर कुछ ऐसा नहीं करना। तो मतलब आप सिर्फ इसके अंदर विंडो डालते हो, अगर विंडो रैम जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 16 GB रैम तक सपोर्ट कर जाता है। और सर अगर मैं आपसे पूछूं, आप असेंबल अगर मैं करवाऊं आपसे कोई पीसी तो वो असेंबल भी हो जाएगा? बिल्कुल असेंबल देगा सर, ये है बहुत रिक्वायरमेंट आती है आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कोरोना के चक्कर में। और एक चीज सर मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो मशीनरी है क्या ये भी गेमिंग के लिए यूज हो जाएगी क्या? सर बेसिक गेमिंग जो छोटे मोटे सिंपल नॉर्मल गेमिंग है वो तो हो जाती है, पर ये मोस्टली कमर्शियल वर्क की है, सिंपल वर्किंग वाइल्ड ऑफिशियल वर्क या ये सब के लिए, उन बेसिक के लिए लोग मोस्टली ना असेंबल कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। और मोस्टली हम भी रिक्वायरमेंट करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ही मैंने एक एनटेक का करा था, क्या कहते हैं असेंबल करा था, और ऐसी एनटेक कॉर्सर सबके आते ही हैं तो वो असेंबल करे थे, तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे उनका बजट कम था तो उनका जैसे प्रोसेसर हमने लगाया, उनको i3 दिया 6th generation, पर आप सोचोगे i3 क्या 6th generation स्लो कैसे, पर उसमें मैंने SSD दी उनको, क्या कहते हैं 512 SSD दी, 16 GB उनको रैम दिया, उनको प्रोसेसर, तो उनके वो जो वहीं पर उनका क्या कहते हैं हिसाब उससे हो गया कि प्रोसेसिंग स्पीड इतना अच्छा मिला और सस्ते बजट में मिला, तो वो इस बात से वो बहुत खुश हुए। और ग्राफिक कार्ड तो सर आपको पता है गेमिंग में तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अब NVIDIA के आते हैं आजकल, AMD Radeon इन सब के ही ग्राफिक्स आ रहे हैं, तो उनका भी सस्ते में हमने उनको 4 GB का ग्राफिक ला के दिया, जो बिल्कुल नया ला के दिया, तो असेंबल क्या उनकी रिक्वायरमेंट। सर एक चीज और, आजकल मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ये हाई डिमांड हो रखी है ग्राफिक कार्ड्स की, क्या मतलब ये सस्ते होंगे या महंगे हैं, तो इनका क्या हो रहेगा? सर अभी तो जैसे ये क्रिप्टो करेंसी के सर माइनिंग के हिसाब से तो बढ़े हुए थे, पर अभी इनकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे, क्योंकि अब फुलफिल पहले तो बिल्कुल कम थे ना, जैसे स्टॉक की अनअवेलेबिलिटी थी, अब उनकी होने लगे तो ये रेट घटेंगे ही घटेंगे। तो मतलब बेसिकली सर असेंबलिंग के लिए मतलब आप कर सकते हो, और बिल्कुल, गेमिंग बिल्कुल, पीसी बिल्कुल, के लिए बिल्कुल सर हमने कई करे गेमिंग हाई एंड भी करे काफी, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ एक गेमिंग चैनल के लिए, तो साथ में इसलिए मैं सोचा कि आपसे असेंबल भी करवा लूं। बहुत अच्छे आजकल ये कोर्सर और एनटेक तो सर इतने डिमांड में है, आप क्या ही बताऊं, लोगों के अलग अलग कैबिनेट ले रहे हैं, जो आप लिए क्या कहते हैं मिरर ग्लास वाली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसकी लाइटिंग 8 GB लाइटिंग जो होती है इतना बढ़िया आता है उसका, और वायरलेस कीबोर्ड पर 8 GB वाले जो हो गए अपने जी और स्मॉल वाले हो गए, तो इसमें कितना वाला लोगों को कन्वीनियंट जो मिल रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो ही रही है। सर जैसे मैंने बताया था कि हमारी ये दुकान की शान जो है, तो ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब आप ये सोचें ना कि ये रेट की वजह से, पर जैसे आपने बेसिकली अपनी डिटेल्स की मेरे को बताई थी रात को, उस हिसाब से ये मेरे हिसाब से बेस्ट आपके लिए सूटेबल ये रहेगा, क्योंकि ये इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, प्रोसेसिंग भी इसकी अच्छी है काफ़ी। अब आप देखिए जी, ये सर ये तो वैसे बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत लाइट, एक हाथ से आराम से उठा पा रहा हूँ मैं, वही सर बड़े आराम से। और प्रोसेसिंग भी मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह है जी, मतलब लगता तो ये बिल्कुल वो है, पर सर प्रोसेसिंग इसकी इतनी बढ़िया, और आपके जो आपको हाई एंड वीडियो एडिटिंग और इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स भी हैं, जो अपने क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं वो भी अच्छे खासे, इसमें लगभग मिनिमम 2.5 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो बहुत आराम से फुलफिल कर देंगे। तो सर इसमें बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर चल सकते हैं जो बिल्कुल, जितने बिल्कुल, भी सर, मैं चाह रहा हूँ सर, हाई एंड सारे चल जाएंगे, फोटोशॉप तो बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे कि मक्खन की तरह चलेंगे बिल्कुल। तो ये मेरे को सर कितने का पड़ सकता है ये लैपटॉप? सर वैसे तो देखिए ये इसकी जो मार्केट वैल्यू अभी जो चल रही है ये 30,000 चल रही है। अच्छा। और अभी हमारे दिवाली ऑफर चला रखा है नवंबर में जी, तो उसके हिसाब से तो आपको ये हम आराम से डिस्काउंट में लगा ही देंगे, ये आपको करीब करीब 28,000 का पड़ जाएगा। तो इनकी जैसे कि गारंटी वारंटी क्या होगी, मतलब कुछ सर जैसे गारंटी हमारे पास हर लैपटॉप की ये है कि हम 15 दिन की टेस्टिंग वारंटी देते हैं। ओके, क्योंकि हमारे सेकंड हैंड टेस्टिंग है, तो इसमें टेस्टिंग वारंटी में ये होता है, जैसे आपने एक मोबाइल वाला लेते हैं, हमें 1-2 दिन में पता चल ही जाता है कि वो हमें सूट कर रहा है नहीं कर रहा, इसमें आप आकर रिप्लेस कर लीजिए, अगर आपको लगता है आपने मिड रेंज का लैपटॉप लिया, आपको लगता है मेरा सस्ते से काम चल रहा है, सस्ते चेंज कर लीजिए, आपको लगता है नहीं तो थोड़ा और अच्छा चीज चेंज कर लीजिए, वरना आप रिटर्न कर दीजिए।
बस वो ये उसमें वही कंडीशन ही है कि जिस कंडीशन में हमने दिया आपको वही उसी कंडीशन में आपको वापस मिलना चाहिए। आपको ए टू जेड चीजें स्क्रीन स्पीकर कीपैड सब कुछ आपको टेस्ट कराएंगे क्योंकि और बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे 15 दिन की ये है ही कि जैसे इनमें स्क्रीन डैमेज और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये आपने लगा रखा है पहले से ही सर। लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए, स्पीकर डैमेज नहीं होना चाहिए, डेड कंडीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इन चीजों की तो आप नए मार्केट में भी नए लैपटॉप पे नहीं होती है। सही बात। और ऊपर से हमारा एक स्पेशल और है कि हम 3 महीने की सॉफ्टवेयर वारंटी और देते हैं। अच्छा इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि मतलब सॉफ्टवेयर में आपको विंडोज में 3 महीने में हम आपको फ्री सर्विस देंगे। जैसे कि अभी आपको पता है दिवाली आई थी, दिवाली थी था फेस्टिवल सीजन था, लोगों ने कहा तो कई गिफ्ट के तौर पे भी लिए थे 7,000 वाले, तो सर लैपटॉप तो ऐसे बिके हैं कि मतलब आप पूछे बस सारा स्टॉक उस समय 7,000 का तो खत्म ही हो चुका है। जी जी। सात का छोड़िए 10,000 वाला भी खत्म ही हो गया। अब ये बेसिक हमारे पास कुछ लिमिटेड पीस ही पड़े हैं, जैसे 15,000 में ये पड़ा है, ये 15,000 का जो है वो भी ये पड़े कुछ लिमिटेड 4-5 पीस पड़े हैं। तो सर अब हम होलसेल में भी डील करते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ही दिन में अच्छा नया स्टॉक आ जाता है बिल्कुल। तो अब बेसिकली सर ये मेरे को वैसे तो अच्छा भी लग रहा है, मेरे को बढ़िया लग रहा है ये पीस भी, और कंडीशन भी देखिए बिल्कुल A1 कंडीशन में है, बिल्कुल कंडीशन बहुत बढ़िया लग रही है सर, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है आप देख सकते हैं। और मेरे को वैसे बेसिकली सर बढ़िया लगा ये लैपटॉप, तो अब मेरे को मतलब इसका आप क्या मतलब दे सकते हैं मेरे को बेस्ट प्राइस? सर मैं बेस्ट प्राइस जैसे आपको है आपने करा है तो जैसे मैंने बोला 1,500 तो है ही, अब आप मैंने आपको 30 बताया था, 1,500 में तो आपको 28.5 जाता है, मैं आपका 28 का कर दूंगा और आपको 3 महीने के जगह 6 महीने की मैं आपको सॉफ्टवेयर गारंटी देता हूँ। और कौन कौन से सर बेसिकली आपके पास होते हैं लैपटॉप वगैरह? सर हमारे पास जैसे मैंने बताया 15,000 से स्टार्ट है, हमारे पास 14 जैसे 14 इंच का वेरियंट है, ये 14 इंच में स्टैंडर्ड साइज जो हमारा होता है ये है, ये लेनोवो जो हमारा स्टार्टिंग अभी 15,000 से ही स्टार्ट। अच्छा लेनोवो डेल के अलावा भी आपके पास कोई दूसरी कंपनी होती है? हम मोस्टली HP डेल लेनोवो में ही डील करते हैं क्योंकि कमर्शियल सीरीज में वही होता है, पर किसी की अगर बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जांपल एप्पल की भी अगर रिक्वायरमेंट आती है जी जी, तो हम उसमें थोड़ा सा एडवांस लेकर उसके हिसाब से फुलफिल कर देते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर जैसे मैं आपको बताता हूं ये HP में हमारा वेरिएंट है, ये अपना एलाइट बुक है अपना 8470P, ये i5 है सर, ये तो पूरा बिल्कुल एप्पल जैसा लग रहा है पूरा एकदम बॉडी इसकी ऐसी है। हां जी बिल्कुल सर एल्युमिनियम बॉडी है, i5 है, थर्ड जनरेशन है, 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है, ऊपर से CD का भी इसमें सपोर्ट मिलता है, जैसे बच्चों की आजकल किताबों के पीछे CD आती है तो उनके लिए भी अच्छा, 14 इंच की स्टैंडर्ड है तो इस वजह से थोड़ा सा ये वेट में है। तो बेसिकली सर आपके पास मतलब हर बंदे के हिसाब का लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल हो, और ये भी नहीं कि एक दो स्टॉक हो, बिल्कुल होलसेल पे हम डील करते हैं, आपको जितना चाहिए स्टॉक आप बताइए हमें उसके हिसाब से सब कुछ पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैंने ये डन कर दिया है, मैं अभी चेक कर लूंगा इस वीडियो के बाद। तो इसके अलावा सर ने और 2-4 चीज़ें बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं सर, जैसे कि आपने ये रखा हुआ है बल्ब, ये कितने का सर बल्ब है? सर ये लाइट वाला ब्लूटूथ बल्ब है, ये सिंपल ही नहीं लाइट बल्ब है। अच्छा ये ब्लूटूथ बल्ब है सर? हाँ जी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके स्पीकर भी कर सकते हैं। अच्छा और ये मात्र सिर्फ 350 रुपीज़ का है। 350 रुपीज़ का है सर? बिल्कुल सर ऐसे ही हमारे पास स्पीकर भी हैं कई सारे हैं, जैसे ये देखिए इसी का ये वेरियंट है ये स्पीकर में, इसमें ये अब ये जैसे इसमें लैंप मोड है आप देखिए, और इसको चेंज करें इसमें ये कहते हैं डिस्क लाइटें भी बिल्कुल ऐसे चेंज हो रही है, ये भी स्पीकर ब्लूटूथ वाले, ऐसी अगर बहुत सारी एसेसरी और नॉर्मल कीबोर्ड भी है कंप्यूटर के, जैसे कंप्यूटर एसेसरीज है अपने पास, ये अपना क्वांटम के कीबोर्ड हो गए, डेल के कीबोर्ड हो गए, ये HP के, ये डेल के वायरलेस कीबोर्ड लैपटॉप का सेट हो गया, ऐसे कंप्यूटर बड़े बेसिक रिक्वायरमेंट की सारी एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल वगैरह सब आपने मतलब बिल्कुल सर फिलिप्स के स्पीकर ये भी रख रखे हैं हमने, RGB जो बच्चों को आजकल गेमिंग का बहुत शौक है, एंटीवायरस सब कुछ, ये RGB के पूरा माउस और कीबोर्ड का सेट है, वायर्ड में भी है वायरलेस में भी है पूरा, मतलब जो शौक या आप जो गेमिंग का पूछ रहे थे का ये सब का, ये तो सर मतलब लोग तो सिर्फ देखते ही पसंद आता है बिल्कुल एकदम से हैवी ड्यूटी। सही बात है, बहुत बढ़िया भी लग रहा है फोटो पे जो इसके ऊपर प्रिंट हुई है। हाँ जी सर, तो मतलब बेसिक सर इसमें लाइटिंग मतलब RGB लाइटिंग के साथ ये मिलता है? बिल्कुल सर, और ये भी नहीं कि सर कि कोई ऐसे लोकल वो चाइनीज आइटम भी नहीं, सारा कंपनी का ब्रांडेड माल है। तो सर मैं एक बार ये पूछना चाह रहा था, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है तो एक बार उसको एड्रेस बता दो ढंग से कि कोई भी अगर आए तो कैसे आएगा आपके पास? जी सर बिल्कुल बहुत आसान है, हमारा शॉप जो है ये अलवर बाईपास रोड पे भगत सिंह कॉलोनी, मतलब अलवर बाईपास रोड पे एक तरह से मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, उसके अपोजिट में ही जो बिल्डिंग है सुकम टावर उसमें शॉप नंबर 30 ग्राउंड फ्लोर पे ही है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे सर्च मारिए सेकंड हैंड कंप्यूटर्स इन भिवाड़ी, आपको उसमें सबसे पहला नाम हमारा फर्स्ट क्लिक कंप्यूटर मिलता है, उसमें लोकेशन हमारा नंबर सब कुछ दे रखा है, उसके थ्रू भी आराम से आ सकते हैं। और सर किसी को कोरियर
करवाना हो बहुत दूर से किसी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सर, हम वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, बस उसका वही है कि थोड़ा सा एडवांस पहले होता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेंगे और उसके वो कोरियर भी हो जाएगा। तो सर लोगों की कुछ दिक्कत ये भी होती है कि कोरियर में टूट फूट की दिक्कत या कुछ नहीं, सर, दिक्कत वो तो होती है, पर वो यहाँ उसके स्पेशल ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह पैकिंग करना वो सब करना, तो उसका वो तो करना ही पड़ता है सर। इसलिए हम मोस्टली फर्स्ट सजेशन तो यही देते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव हो, कुछ कन्वीनियंट हो, कोई आ सकता हो तो पास वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि क्या पसंद भी कर सकता है अपनी चॉइसेस की, उसको अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन भी मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट बोल क्या कहते हैं मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे सामने सामने, मतलब बेसिकली कोई अगर विजिट कर ले तो ज्यादा प्रेफर ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। जी जी जी, क्योंकि ये भी बात सही है कि विजिट करने में उसको वैरायटी भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिलती है। तो बेसिकली वैसे तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर का एड्रेस और फोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सर के पास हर चीज की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी आपको, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी सर के पास, लैपटॉप कंप्यूटर की कंप्यूटर एसेसरी सब चीज मिलेंगी। और बाकी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मतलब जितना हो सके इस वीडियो को आगे बढ़ाना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।